व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम आपको ले जा रहे हैं सिगुल्दा घुमाने अपने एक दोस्त के साथ जो आई है मुझसे मिलने एस्टोनिया से, बेसिकली फ्रॉम वाल्का से। कैन आई हेल्प यू? या प्लीज लीव मी टू ड्रॉप मी टू सिगुल्दा प्लीज। तो भाई ये भुट्टे के खेत है, इसमें से एक तोड़ते हैं ये वाला। टूट गया। और एक तोड़ते हैं ये वाला बड़ा सा ये वाला। भाई संडे है तो आप देखो कि यहाँ बहुत सारे लोग ना साइकिलिंग करते हुए मिलेंगे आपको। ये देखो और सारे गेट्स के साथ साइकिलिंग करते हैं भाई। यहाँ देखो सारे लोग गोल्फ खेल रहे हैं, देख रहे हो आप, देखो सारे लोग गोल्फ खेल रहे हैं। तो भाई ये एडवेंचर पार्क टार्जन पार्क इसको कहते बच्चों के लिए। और यहाँ स्पोर्ट्स देखो, तो भाई साहब अब हम जा रहे हैं कहाँ, केव। वी आर गोइंग टू द केव फर्स्ट। यस, तो हम पहले जा रहे हैं केव में और उसके बाद जाएंगे हम कैसल, आफ्टर दैट कैसल, राइट। और मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई ऑलमोस्ट ख़त्म, अब मुझे नहीं पता कितना चल पाएगा और कितना मैं आपको दिखा पाऊँगा, बट जितना कवर कर सकते हैं यार। लेट्स गो। तो भाई कॉफ़ी हमने पी ली, एक ले ली एक, अब कॉफ़ी के साथ साथ करेंगे भ्रमण। तो ये अंदर चलेंगे कैसल के अंदर और देखेंगे यहाँ क्या है। Sky.
भाई यहाँ देखो, ये देखो कुआ बना दिया, कुआ टेम्प्रेरी कुआ, उसमें ओ ताला लगा हुआ यार। आई वांट सम वाटर ब्लॉक, दैट्स बैड। तो ये भी जाम है, तो ये जाने भाई कुआ बना दिया था टेम्प्रेरी। अरे गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, वेरी हॉट, गाड़ी गर्म हो गई भाई। और हो गया हमारा कैसल का टूर, अब हम जा रहे हैं सिगुल्दा। नाउ वी आर गोइंग टू सिगुल्दा एंड लुक एट हर फेस, शी इज ऑलरेडी टायर्ड भाई। ड्राइवर लेट्स फीड द ड्राइवर। चलो भाई जा रहे हैं किसी बिस्तरो में, भाइयों हमारा खाना आ चुका है भाइयों इधर, और ये है पैनकेक चिकन का, और दिस इज चीज पैनकेक, हाँ स्पिनच एंड फेटा चीज। सो मेकअप ऑन बिकॉज माय कैमरा इज ऑन, सो भाई अब हम जा रहे हैं खाना खा के, वी आर गोइंग टू वेयर टू दिस प्लेस ऑफ कोर्स। भाई ये हो क्या खूबसूरत नज़ारा है कैसल का, एंड वी आर हियर, और अब हम सिगुल्दा में, फाइनली वी आर इन सिगुल्दा, राइट नाउ वी आर इन सिगुल्दा। यप, तो भाई अब सिगुल्दा में आ गए हम, और तो भाई एक्चुअली कैसल में ना कुछ है नहीं खास, देखो बस ये है वहाँ एक स्टैचू बना हुआ है, वहाँ कैसल है अंदर, तो म्यूजियम है, तो और कुछ खास है नहीं, तो ये कह रही है अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा देखने के लिए, तो देख लेते हैं, वरना बाहर से हम लोग खूबसूरत तो है ही, बाहर से ऐसे घूम के निकल लेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा पी पा रहे हैं, अपना संडे को मना रहे हैं, वाइट भाई देखो, यू आर वेलकम टू रिलैक्स एट द कैसल ऑफ लिवोनियन ऑर्डर इन सिगुल्दा। तो हम लोग वहाँ से आके आइसक्रीम खा के अब लौटे हैं इधर, और आपको ले चलना है अंदर, तो आ जाओ। ओ ब्लैक आई नो खाता हूँ सिगुल्दा में, हम आए थे घूमने, और आपको दिखाते हैं एक बंकर, राइट, तो बंकर ले जाते हैं अंदर, और देवी हमारी चलेगी साथ में टॉर्च जलाते हुए, और आपको दिखाएंगे रियल लाइफ बंकर कैसा दिखता है, जो कि अभी यूज़ नहीं हो रहा है, पर उसमें, पर ये तो ताला, तो द डोर लॉक इज़ ओपन, व्हाट दे हैव ओपन द लॉक जस्ट टू शो द पीपल दैट हाउ द बंकर्स आर, या इट्स अ वेरी हैवी डोर, लोहे का बना हुआ है पूरा, और इसके लॉक्स देखो, ये देखो इतने मोटे मोटे लॉक्स, ये वो भाई ये जाम खा गए हैं लॉक भी, ओह नहीं घूम रहे हैं या इट्स वर्किंग, लॉक्स आर वर्किंग, सो इट्स वर्किंग, या दिस इज द फर्स्ट डोर एंड देन यू गेट इनसाइड। तो एक दूसरा दरवाज़ा भाई ये है बंकर का, जो कि टूटा हुआ है, इट्स ब्रोकन राइट, और हम अंदर चल रहे हैं बंकर में, लाइट कम है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइट जला दूँ किस तरह, तो लो अब काफ़ी लाइट हो गई, तो ये देखो बंकर है भाई, और ये कमरा एक है इधर, इसमें भी लोग रहते हैं, और ये हो एक दूसरा कमरा इधर है, तो
तो ये रियल लाइफ बंकर्स हैं। आप देखो ऊपर लोहे की चद्दर लगी हुई है कि अगर कोई बम बम स्पोट होता है, कुछ भी होता है ना, तो उसको सेफ्टी के लिए। और यहाँ वायर्स हैं, उसके अलावा खाना वाला कैबिनेट्स बनी हुई है बेसिकली कि आप कुछ खाना वाना स्टोर कर सकते हो। और देखो ये लाइट्स हैं, दीज आर लाइट्स राइट, दीज आर लाइट्स जस्ट टू इंश्योर द लाइट इज़ ऑन अंदर की तरफ। और आप देखो ये लाइफ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर एग्जैक्टली, इसके अंदर क्या है, लोहा के अंदर कुछ होगा पता नहीं। दिस इज लाइक अ थिंग यू कॉल्ड हीटिंग। आह ओके, पुट द फायर इन हियर। यप यप एग्जैक्टली, यहाँ ये हीटिंग के लिए होगा क्योंकि इसका पाइप अंदर की तरफ जा रहा है और ये पाइप जहाँ तक है ओ ये इससे कनेक्टेड होगा, यहाँ से कनेक्टेड होगा जहाँ तक है अंदर पाइप जो टूट गया है। तो इस कमरे में, उस कमरे में सब जगह हीटिंग जाती होगी इससे, क्योंकि सर्दियों के वक्त अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो बंक तो कैसे काम करते होंगे ना। अब हम चलते हैं अगले कमरे में, इसमें पूरे में पानी छू रहा है। अगर आप देखो लाइट नहीं है और तो यार ये टूटा हुआ है। You don't want to come further? No. Okay. तो दिस इज़ ब्रेकिंग, दिस इज़ ब्रोकन। और देखा जाए तो अंदर और भी कमरे हैं, कमरे के बाद और कमरे हैं भाई। तो आप देख सकते हो कि लकड़ियाँ कैसे टूटी हुई हैं इसकी, और लोगों ने आके शिटविट भी कर रखी है आके। पर ये देखो इसकी सीलिंग वीलिंग दिख रहे हो, क्या हाल है कमरे का। और ये धुआं क्यों निकल रहा है यहाँ से, अभी तक तो कुछ नहीं था। ये धुआं क्या है भाई एकदम से, ये तो रियल लाइफ में तो मुझे धुआं दिख नहीं रहा, ये कैमरे के सामने इतना धुआं क्यों आ रहा है। कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे इधर। ओ भाग लो यहाँ से, निकल लो भाई। Let's go. Wait for me. I'm scared. Let's go. तो भाई आ गए वापस बाहर। तो भाई अंदर से ना, अंदर से धुआं निकल रहा था कैमरे के सामने। नाउ मैं बड़ा घबरा गया था कि यार क्यों हो रहा है ये धुआं, क्यों निकल रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि भाई निकल लो यहाँ से। और एकदम से मतलब कैमरे के सामने ही धुआं था, वैसे कैम धुआं नहीं था। तो जब मैं बाहर आया तो मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ तो नहीं, कोई ऊपरी आत्मा शात्मा तो नहीं है इधर। अच्छा एक और दरवाज़ा है इधर, वो करी देखो ये है दूसरा दरवाज़ा। तो ये बंकर जो है ये पूरा ऐसा बना हुआ है, वहाँ दूसरा पहला दरवाज़ा है और यहाँ दूसरा दरवाज़ा है। हाँ ये चिमनीज भी है ऊपर की तरफ, तो आप दो चिमनीज लगी हुई हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है कि जैसे वॉर हो तो आप अंदर रहो, चिमनी के थ्रू आप जिंदा रहोगे और ऊपर कुछ भी होता रहेगा। और देखना आपने, मैं दिखाया आपको कि उसमें ना लोहे की चादर लगी थी छत पे, जिससे कि कोई भी बम एक्सप्लोजन हो तो वो कुछ फ़र्क ना पड़ेगा उसको बंकर को। फिलहाल मैं आपको बता रहा था धुआं निकल लगा तो मैं भागा वहाँ से, और मैंने कहा निकल लो यार मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। फिर मैंने इससे पूछा तो कह रही है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ माई बॉडी, इट वॉज वेरी कोल्ड इनसाइड और मेरी बॉडी से हीट निकल रही थी तो वो धुआं निकल जाता उसके सामने से। पर मुझे समझ नहीं आया तब भी कैमरे के सामने क्यों धुआं निकल रहा है, पर वो निकल जाता है एक्चुअली, दिख नहीं जाता हमें, कैमरे के सामने जा दिखता है इसलिए, और कुछ नहीं है। तो मैं सच में टेंशन में आ गया था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये इतना धुआं क्यों आ रहा है कैमरे के सामने। चलो निकलते हैं, बट इफ देवी वुड नॉट हैव बीन विद अस आई वुड नॉट हैव गॉन इनसाइड फॉर श्योर। चलो लेट्स गो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में जाने में जहाँ थोड़ा सा रिस्क हो और थोड़ा सा अनयूजुअल हो, जो मैंने कभी देखा ना हो। आई होप आपको भी मज़ा आता हो। आप अगर आता है तो भाई ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब तो किया ही होगा आई होप, अगर नहीं तो कर लो, और लाइक करो और शेयर करो। और जल्दी से आप जब लाग भी आओ तो मुझसे मिल लेना आके, और फिर करेंगे मौज साथ में, राइट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वॉट हाँ ओके तो वो भी देख लो, वो कह रही है देवी की ये दिखाओ सबको, वो छोटे छोटे स्टैचू देखो. तो भाई मैं हूँ अभी सिगुल्दा में और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. वेर इज द रेलवे स्टेशन इनसाइड? You mean the train station? Yeah, yeah. Oh, the train station, you can go inside, buy the tickets, but it's also, you need to go around on the left side. I already have the ticket. I can go from then you go on the left side. But where is the toilet? I also want to go to the toilet. The toilet is inside. Inside, okay. On the right side. Okay, thank you. See you.